हरियाणा पुलिस ने आर्यन मिश्रा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल 23 अगस्त की रात 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन को गौ तस्कर समझकर कथित गौ रक्षकों ने गोली मार दी थी। दरअसल हरियाणा में फरीदाबाद के 23 अगस्त की रात में तकरीबन 12 बजे आर्यन मिश्रा अपने दो दोस्तों के साथ, जो हर्षित और सौंकी की डस्टर कार में बैठकर मैगी खाने गए थे, उधर कथित गौ तस्करों को फोन पर सूचना मिली कि शहर में कुछ गौ तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर बैठकर शहर में रेकी कर रहे हैं और अपने साथियों को बुलाकर टैंकरों में गांवों को भरकर ले जा रहे हैं। इसी दौरान गौ तस्करों को फरीदाबाद के पटेल चौक पर एक डस्टर कार दिखी। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों को लगा कि ये लोग गुंडे हैं, जिनसे उनके दोस्त सैंकी की कुछ दिनों पहले लड़ाई हुई थी। गाड़ी हर्षित चला रहा था, उसने गाड़ी नहीं रोका और भागने लगा। स्विफ्ट सवार गौ रक्षकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लगभग 25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद गौ रक्षकों ने गोली चला दी और गोली आर्यन को लग गई। गोली लगते ही हर्षित ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, वैसे ही गौ रक्षक आए और उन्होंने आर्यन के सीने पर गोली मार दी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। आपको बता दें, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मई 2025 से दिसंबर 2018 के बीच गाय से संबंधित हिंसा में कम 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन मामले में जान गंवाने वाले लोग में 36 लोग मुसलमान थे, जबकि नई दिल्ली स्थित डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड डेटाबेस में, जो एक फ्री एजेंसी है, उसने जुलाई 2014 से अगस्त 2022 के बीच हुए गाय से संबंधित हिंसा में 206 मामलों का पता लगाया है। इन मामले में कुल 850 पीड़ित मुस्लिम धर्म के थे। वहीं इन सब के बीच पीड़ित पिता ने बताया कि आर्यन को उसुजाता गुलाटी ने फोन कर बुलाया था। आर्यन माँ से 5 मिनट में आने की बात कहकर गया था। इसके बाद आर्यन सुजाता, हर्षित गुलाटी, सैंकी गुलाटी और अन्य के साथ कार से कहीं चला गया। उन्हें शक है कि बेटे की साजिश कर हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान अलिन कौशिक, वरुण कृष्ण, आदेश और सौरभ के रूप में हुई है। आरोपी ने बताया कि 23 अगस्त की रात उन्हें सूचना मिली थी कि कार सवार पशु तस्कर पशु उठा रहे हैं। वे उन्हें तलाशने निकल चुके थे, जहां पर टेल चौक पर उन्हें डस्टर कार दिखी, जिसमें आर्यन, हर्षित, सैंकी, सुजाता आदि बैठे थे। रोकने पर वे नहीं रुके तो उन्होंने शक में 30 किलोमीटर तक पीछा किया और बघेला गांव के पास आर्यन को गोली मार दी। एसीपी क्राइम अमन यादव ने कहा कि आरोपियों के सिनाकस्त पर वारदात में प्रयोग हुए हथियार और कार बरामद की जा चुकी है। बरामद अवैध हथियार को फॉरेंसिक जाँच के लिए लैब भेजा जा चुका है, साथ ही हथियार देने वाले की भी तलाश की जा रही है। खबरी चौखट की रिपोर्ट। We'll be right back.